परम सम्माननीय श्री ओम बिरला जी से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है उद्बोधन के लिए। देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारियों का देवभूमि और प्राकृतिक सुंदरता का प्रदेश हिमाचल की इस ऐतिहासिक नगरी शिमला में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिमला हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है और आज हम इस शताब्दी समारोह के माध्यम से इस दिन को अस्मरणीय बनाने जा रहे हैं। मैं इस सम्मेलन में संसदीय कार्य का लंबा अनुभव रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, जो आज हमसे जुड़े हैं, जो उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्रोत्साहित करता है। देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आरंभ आज से 100 वर्ष पहले यही हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय और में बड़ी भूमिका इस जगह की रही है। सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय विठल भाई पटेल, माननीय गणेश मावलंकर जी समेत पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन मिला है। उनके नेतृत्व में विधान मंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। आज विधान मंडलों के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और समृद्ध हो और विकसित हो। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिपक्ष में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। विधानमंडलों की बैठकों की घटती बैठकों की संख्या तथा कानून निर्माण के चर्चा में कमी हमारे लिए चिंता का विषय है और इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम संपल करें कि फिर से विधानमंडलों की नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो, जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाए। इसलिए सभी दलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है सभी दल इसमें सकारात्मक सहयोग देंगे। विधायकों के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा विशेष दायित्व है कि हम एक समर्थ, सक्षम और एक सशक्त विधायकी के निर्माण का सामूहिक संकल्प लें, जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप के साथ साथ नई चुनौतियों का भी सामना कर सके और हम इन विधायी संस्थाओं को सशक्त, मजबूत, जनता के प्रति जवाबदेह बना सके। ये सम्मेलन, इसकी चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से 2 दिन के सम्मेलन में एक निश्चित परिणाम निकलेगा और देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुसार ये संस्थाएं काम करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आभार माननीय अध्यक्ष महोदय।